आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष छठ पूजा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली नारी थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार शुरू हो रहा था। अम्मा घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ माता का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं, इससे क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाती है। अम्मा बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है, प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति की। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो। राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत किया।
और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत किया करते थे। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करती। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ तथा तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहां से चली गई। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। संध्या काल में जब अम्मा ने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इसका तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों अम्मा का दिल बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी, माँ, यह बच्ची नादान है, इसे क्षमा करना, यह आपकी महिमा को नहीं जानती, माँ, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी थी, सब लोग पूजा की तैयारी में जुटे थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास पड़े हुए अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें यह सब बताया। बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आ गए और उन्होंने बच्चे को जगाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं जगा। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि बालक की तो सांसें ही रुकी हुई हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो गए कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसे कैसे जा सकता है? परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की सांस चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दे। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो माँ। उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी,
कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और ना जाने कहाँ से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे ही बहू ने आंखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। उसके बाद बहू ने बूढ़ी अम्मा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी अम्मा के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय छठ मैया। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। यदि आपको छठ मैया की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय छठ मैया। जय सूर्यदेव।